Assalamu alaikum, my name is Mariam Khare, my roll number 16T23, and today our lecture is inverse discrete fast Fourier transform, which is the inverse of the previous lecture, that is fast Fourier transform. Inverse discrete fast Fourier transform mein hamare paas kya hoga ki jo x of k hai usko hum x of n mein kis tarah se convert kar sakte hain. Usko x of k ko x of n mein convert karne ke hame kya karna padega, ye sari jo x of k maine pichle hame example pichle lecture ke example se x of k humne jo extract kiya tha wo wahan par likhenge. Theek hai, ab yahan par humne kya kiya isko ki humne jo isko zero jo yahan par first part jo hai वो जीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से हमने इनको बाइनरीज असाइन कर दिया. अब इनवर्स लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका बिट रिवर्सल लगाना पड़ेगा. बिट रिवर्सल के बाद हमने इसको 2 पॉइंट में और 2 पॉइंट से 4 पॉइंट में, फिर 4 पॉइंट से 8 पॉइंट में करने के बाद हमारे पास एक्स ऑफ एन एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा. तो इस तरह से हम इनवर्स फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास किस तरह से आया है. अभी मैं इसको बाइनरी से साइन करते हैं. अभी सबसे पहला डिजिट है तो इसकी बाइनरी क्या होगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 डबल 1, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1. ठीक है, अब जब इन्वर्स लेने के मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है बिट रिवर्सल. बिट रिवर्सल का मतलब क्या है कि सारी की सारी बिट्स रिवर्स. अब 0 को रिवर्स करने से मेरे पास दोबारा क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 को रिवर्स करने से मेरे पास 1 1 1, ठीक है, इसको रिवर्स करने से मेरे पास कोई फॉर्म नहीं. अब इसको रिवर्स करने से ये आ जाएगा, इसको रिवर्स करने से ये आ जाएगा 1 0 1 0 डबल 1 और 1 1 1. ठीक है, अब इसके रिस्पेक्टिव जो मेरे पास डिजिट्स आएंगे वो मैं देख रहा हूँ. अब 0 0 के लिए मेरे पास क्या था, 6 था, वो 6 ही आ जाएगा. 1 0 0 के लिए मेरे पास क्या था, 4 था, तो इस जगह पे 4 आ जाएगा. 0 1 0 के लिए यही आ जाएगा 1 प्लस 5 j. ठीक है, फिर उसके बाद जो है 1 1 0 है उसके लिए मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो 1 माइनस 5 j. ठीक है, फिर 0 0 1 मेरे पास क्या था, 2.12 प्लस j 1.21. ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 के लिए मेरे पास क्या था, -2.12 माइनस j 3.12. बिट रिवर्सल के बाद हमने ये कर दिया. अब जो हमारा प्रोसेस है वो उसी तरह से होगा कि मैं पहले इसको 2 बिट में कन्वर्ट करूँ. 2 बिट से मेरे पास 4 बिट में आ जाएगा और 4 बिट से 8 बिट फोरियर ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा. अब मैं इसको पहले अरेंज कर लेती हूँ 2 बिट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, फिर उसके बाद उससे 4 बिट और फिर 8 बिट, तो फिर जो आएगी वैल्यूज वो मेरे पास एक्स ऑफ एन आ जाएंगे. अब ये मैंने 2 पॉइंट फोरियर ट्रांसफॉर्म को ले लिया. अब यहाँ से मैं 4 पॉइंट फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाऊंगी. ठीक है, तो वो मेरे पास कैसे आएगा कि 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब यहाँ से मुझे 4 पॉइंट फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके लिए लेना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको मैं बटरफ्लाई बना लेती हूँ. 4 पॉइंट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में किया था उसी तरह से कर लिया, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया. 8 पॉइंट फोरियर ट्रांसफॉर्म इससे हमने फॉर्म करनी है. उसके लिए हमें जो यूनिट सर्कल देखना वो ये है. ठीक है, इस यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे. लेकिन क्योंकि ये अब हमारे पास जो है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो जो ये क्लॉकवाइज सीरीज चल रही थी तो ये उसके बजाय एंटी क्लॉकवाइज सीरीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ फॉर्मूलाज, क्योंकि ये उसी तरह से होंगे जिस तरह से पिछले लेक्चर. अब जैसे हमारे पास पिछले लेक्चर का था उसी तरह से हमारे पास जो है इस लेक्चर का भी सारा काम हो रहा है. ठीक है, तो इसमें अब हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूला डायरेक्ट इसके आंसर्स लिखते हैं. जो हमारे पास सबसे आखिरी जिस तरह से हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था वो क्या था, 1 ओवर n से डिवाइड करना. अब n हमारे पास क्या है, 8, तो जितना भी हमारे पास ये सारा है हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 8 8 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 8 8 से डिवाइड करने की वजह से क्या आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -1 16 0 1 -1. तो हमारे पास x ऑफ n दोबारा से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, दोबारा से इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के x ऑफ k हमने डाला. ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास x ऑफ n हमारे पास आउटपुट पर एक्सट्रैक्ट हो गया. हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है fs इतना है, तो हमारा जो अगर फ्रीक्वेंसीज हैं लेस देन 5 kHz, ठीक है, तो वो सारी जो है वो क्या हो जाए हमारे पास एलिमिनेट हो जाए. तो डेल्टा f सबसे पहले निकालेंगे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, fs ओवर n. ठीक है, तो मेरे पास वो आ जाएगा 2.5 kHz. ठीक है, 2.5 kHz का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन आ रही है वो अगर मैं x ऑफ n लिखूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह से आ रही है, 1 माइनस 1 2 0. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, 0 पे, ये मेरे पास क्या होगी 2.5 kHz पे, ये होगी 5 kHz पे, इसी तरह 10 kHz पे 12.5, ठीक है, 7.5, 10, 12.5, 15 और 17.5. ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि 2.5 मतलब लेस देन 5 kHz से हमने देखना है. तो हमारे पास लेस देन 5 kHz पे हमारे पास क्या आ रही है, ये 5 है, इससे लेस देन 5 kHz हमारे पास क्या है, 1. इसका मतलब है कि x ऑफ 1 और उसके अलावा उसका कॉन्जुगेट जो कि क्या होगा, x ऑफ 7, ये दोनों मैं क्या कर दूंगी, 0 कर दूँगी, क्योंकि मुझे वो वाली फ्रिक्वेंसीज एलिमिनेट करनी है जो 5 kHz से कम हो. तो 5 kHz से कम ये वाली है और ये वाली है, तो हम बिल्कुल क्लोजेस्ट पार्ट लेके इसको एलिमिनेट कर देंगे. अब इसको एलिमिनेट करने की वजह से जो मेरे पास नया x ऑफ n आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 1 0 2 0 1 -1 1 और
थ्री, ठीक है, ये एक्स ऑफ एन के लिए। लेकिन एक्स ऑफ के जब मैं यहाँ पर लूँगी तो एक्स ऑफ के में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, कि सिक्स मेरे पास यहाँ पर उसके अलावा ज़ीरो, वन 2.12 प्लस जे 1.21 माइनस 1 प्लस 5 जे, ठीक है। तो इसमें से मैं ज़ीरो जो होगी वो मैं बताती हूँ, मैं लेस देन 2 किलो हर्ट्ज़ पे 5 किलो हर्ट्ज़ पे देखना पड़ेगा, तो मेरे पास ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे क्या देखना पड़ेगा कि बिट रिवर्सल के बाद, ठीक है, तो बिट रिवर्सल के बाद कौन कौन सी चीज़ ज़ीरो होगी। एक ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, 001 वाली, ये वाली एक आइडेंटिटी ज़ीरो हो जाएगी, उसके अलावा 7 वाली आइडेंटिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से 2.4 ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, फिर 4 पॉइंट, फिर 8 पॉइंट, और फिर उसको हम वहाँ से एक्स ऑफ एन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाले मैंने इसमें थोड़े से आंसर्स निकाले, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होगा जिस तरह से हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, फिर इसमें हम दोबारा 8.4 ट्रांसफॉर्म निकाल के यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसीज हो गई कुछ पॉइंट्स पे, तो जितनी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज होंगी उतने ज़्यादा डिफरेंस आएगा और उतना ज़्यादा जो है हमारे पास क्लियर कोई जो है ना क्लियर रिस्पॉन्स हमारे पास आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन होंगी उतना ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर 0-0 किया कुछ पॉइंट को, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है लो फ्रीक्वेंसीज चाहिए। हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इनवर्स फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म हम देखें, जो कि हमने 2, 4 पॉइंट और 8 पॉइंट फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म मतलब रेडेक्स 2 बटरफ्लाई मेथड से हमने देखा। तो हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव ये थे, तो इस लेक्चर के इतना ही, थैंक यू।